नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, आज फिर लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए आपका चहेता टॉपिक जो बहुत से रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूं, वो है म्यूचुअल फंड्स को लेके। दोस्तों, ये टॉपिक बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है और बिल्कुल ही बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूं, ताकि जो लोग नए हैं, जो लोग सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा, स्टॉक्स को बाय करना होगा, ट्रेडिंग सीखनी होगी, इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी, पर जो इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते और कोई सेफ प्रोडक्ट या थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्रोडक्ट अगर चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में आ जाए, वो भी शेयर मार्केट का एक हिस्सा बन जाए, तो हाँ, म्यूचुअल फंड से बेहतर प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड है क्या, उसमें कैसे निवेश करते हैं, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनका बेनिफिट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, हमें कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे कैसे निवेश कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं निवेश करने के, ये सब तरीके हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं तीन वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी सी वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि ये तीनों उस वीडियो आप जरूर देखें, ताकि म्यूचुअल फंड के ऊपर जितनी भी बेसिक जानकारी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो आपको सबसे पहले यहाँ मिले। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और लाइक दबाना ना भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, आप बताइएगा कि और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड, जिसके नाम में ही छुपा एक ऐसा फंड जो म्यूचुअल है, मतलब ये एक ऐसा फंड है दोस्तों, जब छोटा छोटा फंड पूरे हिंदुस्तान से मिलके एक फंड मैनेजर को दे दिया जाता है कि हमें तो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, अगर आपको मालूम है तो आप हमारे बिहाफ पे काम कीजिए। मतलब वो फंड मैनेजर प्रोफेशनल होगा, मतलब वो फंड मैनेजर ऐसा आदमी होगा जिसको स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी जानकारी होगी, वो एक ऐसी एजेंसी हो सकती है, वो एक ऐसी कंपनी हो सकती है जिसको स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में, स्टॉक मार्केट के सारे रिलेशनशिप्स के बारे में, स्टॉक मार्केट में होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में उसको हमसे और आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी। वो हमसे ज़्यादा न्यूज़ स्टडी करता होगा, हमसे ज़्यादा बैलेंस शीट स्टडी करता होगा, हमसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस स्टडी करता होगा। जी हाँ, उसको कंपनीज के अंदर होने वाली सभी जानकारियों की हमसे और आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे आदमी को अपना पैसा सौंपना कुछ भी गलत नहीं है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना जाने पैसा लगाएंगे और आपका पैसा डूब जाएगा, तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह से ये कहते हुए नजर आएंगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है। नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, मैं हमेशा से कहता आया हूं। ये वो तरीका है काम करने का, ये वो तरीका है बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करने का, जहां पूरे हिंदुस्तान की सभी नामी गिरामी कंपनी लिस्टेड है और आप उनको अपना पैसा देते हैं। चलिए इसके ऊपर फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड है क्या, इसमें काम कैसे किया जाए। दोस्तों, वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, जिनको नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स की वो इसको स्किप कर सकते हैं, पर जिनको नॉलेज नहीं है वीडियो को पूरा देखें और सभी वीडियो को देखने के बाद ही डिसीजन लें कि म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं या नहीं है। चलिए, म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी वेयर द फंड मैनेजर इज अपॉइंटेड टू हैंडल द कलेक्टेड फंड। कलेक्टेड फंड मतलब हम आप छोटा छोटा पैसा पूरे हिंदुस्तान में जो जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना अपना पैसा अकाउंट के जरिए अकाउंट खोलते हैं, केवाईसी की जाती है, अपना पैसा उस फंड मैनेजर को दिया जाता है, वो फंड मैनेजर किसी भी कंपनी का हो सकता है। चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारा पैसा हमारे बिहाफ पे निवेश करें जिस कंपनीज में आप चाहते हैं। तो फंड मैनेजर जो है वो एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर है, प्रोफेशनल है, उसने पूरा स्टडी करके रखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें शेयर होल्डर कहा जाता है। जी हाँ, हमें शेयर्स मिलते हैं, हम शेयर होल्डर कहलाते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में आपके बिहाफ पे शेयर्स जरूर खरीदे जाते हैं, पर आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो यूनिट्स होती हैं। मतलब आपको डायरेक्ट शेयर्स नहीं मिलते, आपको शेयर्स की यूनिट फॉर्म में मिलती है। मतलब देखिए, सपोज कीजिए आपने 500 रुपए, जो मिनिमम हम लगा सकते हैं, 500 रुपए आपने म्यूचुअल फंड के मैनेजर को दिए, उसने पैसा लगाया और 500 रुपए में रिलायंस जैसा शेयर तो एक भी नहीं आएगा, बट उसके पोर्टफोलियो में रिलायंस का शेयर भी है, तो उसने जो शेयर पूरे पोर्टफोलियो में खरीदना है वो आपके लिए भी खरीदना है, तो आपके लिए वो फ्रैक्शन में खरीदा होगा। फ्रैक्शन में शेयर खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो वो पूरे पूल में इकट्ठे पैसे से वो शेयर खरीदता है और आपको आपके पैसे के मुताबिक वो उन्हीं शेयर का एक हिस्सा यूनिट के तौर पर आपको दे देता है। तो हमें यहाँ पे स्टॉक्स नहीं मिलते, हमें यूनिट्स मिलती हैं। अब बात करते हैं कि हम कहलाते क्या हैं। जी हाँ, हमें यूनिट्स मिलेंगी तो हम यूनिट होल्डर्स कहलाएंगे, अगर हमें शेयर्स मिलते तो हम शेयर होल्डर कहलाते हैं। हम कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम AGM के नाम से जानते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं, बट शेयर होल्डर होने के नाते वो सब चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स लेने के बाद यूनिट होल्डर होंगे आप, तो आपको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कि हम
पैसा कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ, इसमें अगर आप चाहें तो लमसम पैसा भी दे सकते हैं जितना आपके पास हो, और आप चाहें तो इसमें मंथली मोड में, जिसको हम SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, आप दोनों तरीके से पैसा लगा सकते हैं। जिसको पता है कि मेरे पास एक लगा बंदा सोर्स ऑफ इनकम है, हर महीने पैसा आता ही है, तो आप SIP के मोड को भी चूज कर सकते हैं। SIP के मोड की अपनी खूबियां हैं, लमसम के मोड को चूज कर सकते हैं। जैसे आज के दौरान में अगर देखें, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरे हुए हैं और आपको लगता है कि हाँ, मुझे वैल्यू बाइंग मिल सकती है, मैं चाहता हूं कि एक अच्छा खासा लमसम पैसा दिया जाए, तो ऐसे सूरत हालात में आप अपनी स्टडी करने के बाद एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के फीचर्स क्या है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जैसा हमने कहा है कि डोंट ले ऑल ऑफ योर एग्स इनटू वन बास्केट, सभी के सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपको पूरा का पूरा पैसा भी एक शेयर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर बहुत सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है, उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। तो आपका पैसा बहुत सारे स्टॉक्स पे लगा होता है, तो आपको रिस्क उतार चढ़ाव से आप थोड़ा सा बच जाते हैं। जहां डायरेक्ट कोई शेयर आपने खरीदा होता और वो 30% गिरा होता, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका म्यूचुअल फंड 30% ना गिरा हो, हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड 10-12% ही गिरा हो, वो भी गिरा हो। मार्केट गिरी है, मार्केट बेस है, मार्केट सब्जेक्टेड रिस्क है, तो म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, स्टॉक्स भी गिरेंगे। बट क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आपने सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाया है, आपके फंड मैनेजर ने उसे बांट बांट के लगाया है, मतलब उसने देखा होगा बैंकिंग में कितना लगाना है, फार्मा में कितना लगाना है, एविएशन में कितना लगाना है, FMCG में कितना लगाना है, और जिस सेक्टर को वो पसंद करता है उसमें अपने हिसाब से उसने डाइवर्सिफिकेशन किया होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है इसका। दूसरा फीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, तो ऑफकोर्स हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है, हमसे और आपसे ज्यादा वो पढ़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। जी हम और आप हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बहुत ही जबरदस्त कैंपेन चला के रखा है, म्यूचुअल फंड सही है। उसका क्या मतलब है, उसके पीछे की सोच है कि वो अफोर्डेबल भी है। अगर आप उन एड्स को ध्यान से देखें कि एक समोसा खाने वाले आदमी या चाय की टपरी पे खड़ा हुआ आदमी बात कर रहा है कि छोटा सा बोनस आया है, हम कहां लगाना चाहें, चलिए म्यूचुअल फंड सही है, छोटी सी इनकम है तो भी म्यूचुअल फंड सही है, मतलब अफोर्डेबल है। हम उस क्लास को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम ये सोचते हैं कि महंगे महंगे भारी भरकम एस्कॉर्ट, इंफोसिस, TCS, रिलायंस जैसे महंगे महंगे शेयर जब नहीं खरीद सकते हैं आप, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो इससे बढ़िया तरीका नहीं है कि फंड मैनेजर को पैसा दिया जाए, वो आपके बिहाफ पे इन सभी शेयर्स में पैसा लगाएगा। और अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग्स भी बहुत कम है और मिनिमम से मिनिमम पैसा आप इसमें लगा सकते हैं, ₹500 महीने का भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हुआ ना अफोर्डेबल। चौथी इसकी खूबसूरती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से क्या मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब है कि आप जब चाहें तब अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर सकते हैं, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। अगर आप चाहें, मार्केट बंद होने से पहले कट ऑफ टाइम होता है, उससे पहले अपने अपने जो एडवाइजर हैं, आपकी जो कंपनी है जहां जिसके थ्रू आपने लिया है या आपने ऑनलाइन परचेज किया है, अपनी कट ऑफ टाइमिंग से पहले पहले उस दिन की आप अपने म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं और तय समय में आपके अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। हाईली लिक्विड है, कोई आपका पैसा रोक नहीं सकता। चौथी चीज, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप पोर्टफोलियो को देखना चाहें, ये देखना चाहें कि मेरा फंड मैनेजर कहां पैसा लगा रहा है, जी हां, आपको उसके ब्रोशर में बिल्कुल क्लियर छपा होता है कि वो कितना पैसा किस सेक्टर में लगाया है, जैसे मैंने कहा फार्मा, FMCG और जितने भी सेक्टर्स हो सकते हैं, और उस सेक्टर के कौन से शेयर में कितना परसेंट पैसा लगा रहा है, मतलब इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। वो जिस फंड में उसने जो जो स्क्रिप्ट्स को चूज किया आपके लिए, वो बेहतरीन फंड की पूरी जानकारी, पूरी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने होगी दोस्तों, कुछ भी छुपा नहीं है, जी हां, सब आपकी नजरों के सामने होगा। छठा सबसे खूबसूरत, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। क्या मतलब इस बात का, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड का मतलब यह है, देखिए समझते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड क्या है। दोस्तों, अगर हमने पूरे 12 महीने हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, तो मान लीजिए निफ्टी जब 12,400 के आसपास थी जनवरी में, हमने उस समय भी पैसा लगाया, फिर फरवरी में भी हमने लगाया, वहां से बाजार जब गिरना स्टार्ट हुआ, गिरते गिरते बाजार ने 7,500-7,600 का लो टच किया, हमने हर महीने हर गिरावट पे भी पैसा लगाते चले गए, मतलब हमारे पैसे की कितनी बढ़िया एवरेज हुई है। तो हो सकता है आपने 100 रुपए पे इन्वेस्टमेंट की हो, आपने 90 पे की हो, आपने 80 पे की हो, आपने 70 पे की, आपने 60 पे, करते 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 आपकी हो सकता है एवरेज 60 या 70 की आए। तो जब बाजार रिकवरी देना शुरू करेगा, अगर आपके अंदर 60 की है, तो जैसे ही 70 में आएंगे, आपके पास यूनिट्स भी ज्यादा होंगी, आपके पास माल भी ज्यादा होगा, आपने अच्छी खासी एवरेज की होगी। जहां डायरेक्ट शेयर्स खरीदने में आप डर जाते हैं, आप नहीं खरीद पाते, आपको नहीं पता होता रिलायंस और कितना गिरेगा, इंफोसिस और कितना गिरेगा, मैं कहां इसको खरीदूं, वहीं आप
आप हर महीने बेबाक तरीके से बिना डरे हुए म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा देते जाइए, वो आपके बेसिस पे इन्वेस्ट करता जाएगा उन्हीं स्क्रिप्ट्स में जहां उसने प्रॉमिस किया था। वो उसको चेंजेस करेगा तो पहले आपको इंटीमेशन की जाएगी। जी हाँ, ये हुई ट्रांसपेरेंसी। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड का बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप एवरेज अप कॉस्ट आपकी बहुत शानदार होगी। जहां दुनिया 100 रुपए पे इन्वेस्ट करके 100 से 101 आने का वेट कर रही होगी, वहां अगर आपकी एवरेज 70 रुपए आ गई है तो आप 100 रुपए पे आते आते 30 रुपए के प्रॉफिट में होंगे। दोस्तों जी हाँ, ये है खूबसूरती रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड की। और हाँ, इसके पीछे रेगुलेशन है, सबसे बड़ा बेनिफिट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI, तो आपकी चीजें सिक्योर हैं, गाइडेड बाय एन एजेंसी जो सरकार के निर्देश में काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। जी हाँ, ये देख रेख करती है कि कोई भी खपला ना हो, कोई भी ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे निवेशक का नुकसान हो, तो ये सिक्योर है। और चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जी आप चूज कर सकते हैं कि आप ब्लू चिप में काम करना चाहते हैं, आप मिड कैप में काम लगाना चाहते हैं, आप स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहते हैं, आप हाइब्रिड फंड्स में लगाना चाहते हैं, कैसे फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं, आपकी चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, आप अपना फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं, आप एजेंसी चूज कर सकते हैं, आप अपना ये चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा फंड चाहिए, कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए, पोर्टफोलियो स्टडी कीजिए फिर अपना पैसा दीजिए। और सबसे बड़ी खूबसूरती दोस्तों, जहां बड़ी बड़ी महंगी ब्रोकरेज आपको देनी पड़ती है ब्रोकर्स को शेयर्स खरीदने के लिए, यहां पे आपकी ब्रोकरेज ना के बराबर है, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, AMC भी कहते हैं, फंड मैनेजर की कॉस्ट कह लीजिए या आपके फंड को मैनेज करने की कॉस्ट कह लीजिए, बहुत ही बराबर है, बहुत ही मामूली है, बहुत ही ना के बराबर है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट हैं क्या। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम एवरेजिंग करते चले जाते हैं, हम हर बाजार में पैसा लगाते चले जाते हैं, तो हमारी वेल्थ क्रिएट होती है क्योंकि हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ आते हैं। एक दो दिन के लिए जो आना चाहते हैं, प्लीज म्यूचुअल फंड की तरफ बिल्कुल भी नजर ना करें, ये एक दो दिन का गेम नहीं है, ये ट्रेडिंग का गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपको तय करना होगा कि आपको किस समय कितने पैसे की जरूरत है, आपको शादी के लिए पैसा चाहिए, आपको मकान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपको व्हीकल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपको एसेट इकट्ठा करने के लिए पैसा चाहिए, आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, आपको वर्ल्ड टूर करने के लिए पैसा चाहिए, आपको जो भी करने के लिए पैसा चाहिए, कितनी आपकी उम्र क्या है, कब आपके गोल पूरे करने होंगे। अगर आपकी उम्र 20 साल है, आप 30 साल में क्या चाहते हैं, 35 साल में क्या चाहते हैं, 40 साल में क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड से बड़ा टूल आपके सामने नहीं मिलेगा। और इसकी खूबसूरती पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि जो ब्याज आता है वो कंपाउंडिंग चक्रवर्ती रूप से बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपको इस महीने जो रिटर्न्स आई हैं वो रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में ऐड हो जाएंगी, आपका कैपिटल फिर से रीइन्वेस्ट होगा, और आपका जो पिछले ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज, तो आपकी जो 12-13-14-15% के कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स 18-18-20-20% की रिटर्न्स भी दे देते हैं, और वो कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा। जी हाँ, चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज आपका ब्याज बढ़ता रहेगा। तीसरा इसका बेनिफिट है टू बीट इन्फ्लेशन। दोस्तों जहां हम महंगाई दर की बात करते हैं कि 6-7% के आसपास रहती है, वहीं कोई भी म्यूचुअल फंड 12-13-14% के आसपास कंपाउंडिंग रिटर्न्स देता है, तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में बहुत सहायक है। आपको पता भी नहीं लगता कि आपने इन्फ्लेशन को कब बीट कर दिया, क्योंकि आपके सेविंग्स में ज्यादा इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, मेरा क्या मानना है, समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी सेविंग का इंटरेस्ट कितना है, 3-4%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है कम से कम 6%, अगर कॉस्टिंग लगा ली जाए 1.5-2% के आसपास में, तो मोटा मोटा 10-11% के आसपास का टोटल खर्चा आता है। लॉन्ग टर्म में कोई भी म्यूचुअल फंड आपको 13-14% की कंपाउंडिंग रिटर्न देगा, मतलब आपको सेविंग से ज्यादा, एफडी से ज्यादा इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न देगा, तो आपकी जो रिटर्न्स होंगी बहुत ही शानदार होने वाली हैं। चौथा बड़ा फायदा, सेव टैक्स। जी हाँ, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां आप टैक्स भी बचा सकते हैं। जी सही सुना आपने, बिल्कुल आप सेव टैक्स कर सकते हैं, और उनको हम ELSS कहते हैं। ELSS को भी हम अगली वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप क्या हैं, कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। ये ऐसी इन्वेस्टेड स्कीम्स हैं जहां पे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही पैसा लगाया जाता है। दूसरी सी कैटेगरी आती है डेट ओरिएंटेड स्कीम, मतलब नाम में ही लिखा हुआ है कि ऐसी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाता है, जिनको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स कह सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको हम गिल्ड्स भी कहते हैं, या डेट ओरिएंटेड स्कीम्स जो इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है, जो बिल्कुल थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं, डेट ओरिएंटेड स्कीम्स उनके लिए हैं। तीसरी रहेगी इनकम फंड्स। इनकम फंड्स जो होते हैं वो फिक्स इनकम सिक्योरिटी सच एज डिबेंचर्स और कंपनी की जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, प्राइवेट फिक्स डिपॉजिट्स कंपनीज की, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। चौथे हैं मनी मार्केट लिक्विड फंड्स। ये वो फंड है दोस्तों जो बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंटरबैंक कॉल मनी एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं हाइब्रिड फंड्स। ये हैं इक्विटी और डेट का मिक्सचर, इससे दोनों को मिला के ये अपनी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब कितनी कैटेगरीज हो सकती है म्यूचुअल फंड की, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है। जैसे ओपन
एंडेड फंड जो खुला है जिसको आप कभी भी खरीद सकते हैं कभी भी बेच सकते हैं, दूसरे हैं क्लोज एंडेड फंड, आपने खरीद तो लिया पर बेचने के लिए आपको उस पर एक लॉक इन लगा होगा। अब देखने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हमें कौन कौन सी ऑप्शंस देते हैं इन्वेस्ट करने की। ग्रोथ ऑप्शन का मतलब यह है कि जो प्रॉफिट होंगे, जो म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट करेगा वो इन्वेस्टर को नहीं दिया जाएगा, वापस से री इन्वेस्ट होगा, मतलब आपके पैसा क्यूमुलेटिव और ग्रो करेगा। उसके बाद ऑप्शन आती है डिविडेंड। डिविडेंड ऑप्शन में दो ऑप्शन रहती है, एक डिविडेंड रहती है डिविडेंड पे आउट, अगर आप चाहें तो जो जो कंपनी डिविडेंड ऑफर कर रही है इशू कर रही है, किसी कंपनी ने अगर डिविडेंड इशू किया, सपोज कीजिए आपके पास 100 यूनिट है और कंपनी ने 5 रुपए प्रति यूनिट आपको डिविडेंड ऑफर किया, तो 500 रुपए डिविडेंड आप पे आउट ले सकते हैं। ये वो ऑप्शन हुआ, जिन लोगों को चाहिए मुझे डिविडेंड वापस चाहिए, मेरा खर्चा चलना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, ये लिक्विडिटी है, लिक्विड है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, आप किसी कभी भी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, अपनी स्कीम्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो डिविडेंड पे आउट अगर आप चूज करेंगे तो जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी वो आप पे आउट के फॉर्म में मंगा सकते हैं। दूसरा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, आप नहीं चाहते कि आपका डिविडेंड वापस आए, आप चाहते हैं वापस से री इन्वेस्टेड हो, आपका पैसा फिर से ग्रो करे, तो हाँ आप स्कीम को चूज कर सकते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तो आपका पैसा पे आउट के तौर पर बाहर नहीं आएगा, ये वापस से इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अगली वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले ELSS फंड की, देखते हैं ELSS फंड क्या होता है, एग्जैक्टली ये किस तरीके से बिहेव करता है और इसका और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में बेनिफिट क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में ताकि इन्फॉर्मेशन सबको पहुंच सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।